हेलो हाय नमस्ते सत्श्रीअकाल केम छो। तो मैं आ गई, आप लोग आ गए। तो एक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया था, और कौन आप लोगों को मैसेज दिया था और बुक्स दिखाई थी, और उन बुक्स को आप जो है खरीदें और अपना नॉलेज में बढ़ोतरी करें। और चूंकि आप फिजिकली मेरे साथ रहते हैं, फिजिकली मतलब एक्सरसाइज करते हैं मेरे साथ, और मेंटली आप बुक्स लीजिए। कोई और है कि और जो कोई ज्वाइन करना चाहता है मुझे ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा नॉलेज है जो मुझे डिलीवर करना है। और पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नहीं रहना है, और पता नहीं ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मुझे। एनीवेज एक गम की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग किताबें पढ़ो और उसको नॉलेज गेन करो, और ऐसा दिमाग बने जो हमारे कजन्स का है। कजन्स कौन है आप लोग याद करें, पीछे चले जाएं आज से 5,000 साल पहले। तो हमारे कजन्स जो हैं दुनिया पे राज कर रहे हैं, क्या बेस है उनकी, क्यों है वो ऐसे, और हमारे पास सारा नॉलेज होने के बावजूद हम लोग ऐसे क्यों हैं। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि आप लोग जो हैं इसको बड़े लेवल पे सीखें, इसको अपने जाती लेवल पे सीखने के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चौड़ा कर दें, दूसरों के लिए कर दें, तो हमारा जो है टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और कौन कौन आया मुझे हेलो तो करो। अच्छा मेरा अलार्म कहाँ है, ये है। आज मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी, अब कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो जो नया है वो देख ले। जो है भस्त्रिका जो है आपके अंदर से तमाम जो है प्रॉब्लम्स को, सारी वेन्स को क्लीन करता है और बहुत साफ सुथरा कर देता है, और इससे आपको अस्थमा चला जाता है, बहुत सारी बॉडी की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। मैंने ठंड को भगाया है इस बसरी का कपाल भाती है नुलुम वुलुम करके, और लेकिन फिर भी ठंड तो लगती है मुझे, ऐसी बात नहीं कि ठंड नहीं लगती। लेकिन मैं ठंड को, मैं बर्फ में जाके बैठ सकती हूँ। इस मरतबा मैं कोशिश करूंगी कि मैं जब बर्फ गिरेगी तो मैं अपनी एक साइड की जो सूरज की जो नाड़ी है यानी के ये वाली, इसको मैं ऑन करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं इसको पूरी तरह से बराबर से इसको चढ़ाऊं पूरी, और जाके बर्फ में जाके रेगुलर कपड़ों के साथ, कम कपड़ों के साथ जाके बैठूं, और आपको ये साबित करूं कि कैसे हम लोग वेदर पे काबू कर सकते हैं, कैसे हर चीज हमारे काबू में है। तो मैं पूरी ट्राई करूंगी इस मरतबा। ग्रेट है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन। ओके थैंक यू सो मच। कौन है, सईद है। अच्छा हेलो, सलाम अलैकुम, थैंक यू सो मच। जी मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे ब्रेन तैयार हो जाएं जो दुनिया पे राज करें और यूनिक इजादात करें, और हमारे पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हायर लेवल पे कुछ आसमान की चीजों को जान सके, पहचान सके और उसके ऊपर काम कर सके, और हमारे ऊपर कोई
दूसरी कंट्री आकर कब्जे ना कर लें। उजमा बेग जी, हेलो, हाय, हाउ आर यू? थैंक गॉड, मुझे लगता है आपका नेट चल चुका है और इसलिए आप मुझे हेलो कर रही हैं। लुकिंग सो क्यूट, एज यूजुअल। तो बस मैं ये चाह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे जमा हो जाएं और अपना ये काम जो है वो करें, और मैं जिस टाइप की एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ उससे ये बेनिफिट हो सकता है। मुझे चाहिए जवान छोटे बच्चे, जो लड़कियां हों या लड़के हों, वो लोग ये प्रैक्टिस करें ताकि उनकी जो माइंड की जो चौड़ाहट है वो चौड़ी हो जाए, मतलब छोटी सी है बड़ी हो जाए। हम लोग छुपे नहीं, हम सामने आए, और हम लोग जो छुप कर जो वार करते हैं या करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे बाहर निकले। तो कुछ लोग आ गए हैं और मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। बसरिका आपको कमाल की तवानाई देगा। पहले बॉडी आपकी रिंस होगी और ऑटोमेटिकली सीधी सीधी जो है, यानी कि कोई काम सीधा हो जाना। आप इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आपका काम सिद्ध हो जाए। अच्छा, जाने से, शुरू करने से पहले उज्मा बेग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनकी शक्ल दिखा दूं आप लोगों को। विच इज अ ग्रेट सिंगर, आई लाइक हर वॉइस वोकल, एंड शी डिड अ वेरी हार्ड जॉब टू लर्न हर म्यूजिक। और उसने बहुत ज्यादा, इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब आर्ट, डीप आर्ट सीखा हुआ है। तो उज्मा, इट्स फॉर यू कि दो उंगलियां आप ऐसे रखेंगी आपके गले के अंदर जो है वो, मैंने धुआं लगा मेरे गले में तो इसलिए कर रही हूँ। तो दो उंगलियां आप ऐसे रखेंगी और पूरा सांस बहुत लंबा वाला खींचेंगी अंदर और पेट के अंदर रख लेंगी। फिर उसके बाद ये जो थायराइड का जो चक्र है इसके ऊपर थोड़ा दबा देंगी आप। मैं बोल भी रही हूँ और सांस भी अंदर रख सकती हूँ, मेरा दम नहीं घुट रहा। अब यहाँ रखूंगी तो ऐ हो जाऊंगी, ठीक है? उसको जितनी देर आप रोक सकते हैं इससे आपको और सुरीला गला हो जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो खत्म होगा। जितनी देर रोक सकते हैं धीरे धीरे उसे लंबा करते चले जाना, और सांस जो है तवील होता जाएगा। जब आप कहीं ऊपर नीचे जा रहे हो तो यू विल गो स्ट्रेट इन दैट, ठीक है? इसको करने को 8, 10, 15 दफा कर लो, कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि आप अंदर जितना रोकोगे और तवील करोगे, आपका ब्रेथ जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जहां टर्न करना चाहो, जहां मोड़ना चाहो। इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर एवरीवन और नॉट ओनली फॉर सिंगर्स, ऑफ कोर्स उनके लिए भी काम आएगा। तो ये कौन आया? हेलो मैम, हेलो भूपेश, हाउ आर यू? नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो। ये कौन है? सर इस्लाम है। कहाँ है आप? ये सही भाई, कैसे हैं आप? ये हमारे प्रमोटर रहे हैं कराची में, अभी भी काम करते हैं, ये प्रमोट करते हैं शोज, और बड़ा एक्सपीरियंस है इनको। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम, हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू सी यू। मुझे ज्वाइन कीजिए और नई जिंदगी, नया काम, नई जस्तजू, नया वलवला मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, ठीक है सज भाई? एंड आई लव यू। और ये कौन है मैम? मैं मज़ा वेक,
का तो फैन हो। ओए होए होए होए, मैं उजमा बेग का तो फैन हूँ। मैं वेरी गुड उजमा बेग, सुन लिया। अभी तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा, कुछ दिनों में लेकर आऊंगी मैं। तो भस्रिका जब हम शुरू करते हैं तो वो पता ही है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, नगमा नहीं आई गन्ने बच्ची। सांस लीजिए, ऊपर का ऊपर ले लीजिएगा, लेते रहे लेते रहे लेते रहे लेते रहे लेते रहे, जब छोड़े तो फिर पूरा पेट यहां से आपका वो रुक जाए। भूपेश, एक्सरसाइज कर रहे हो ना या खाली देख रहे हो? मुंह पे मुक्का मारूंगी नाक पे अगर तुमने एक्सरसाइज नहीं की तो। कैसे मारूंगी सोच रही हूँ मैं, मुक्का कैसे नाक पर पड़ेगा भूपेश? चलो एक्सरसाइज करो, खास तौर पे तुम्हारे लिए 20 मिनट भस्त्रिका, हाफ एन आवर कपालभाति, और ये भी है बीच में, ठीक है? ये 500 600 करना, 600 करना, ये तुम्हारी सजा है वहां तक आने के लिए, ठीक। और फिर अनुलोम विलोम तुम 7 मिनट से तुम कर सकते हो, 7 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं करना, एनर्जीज बिखर जाएंगी, उड़ जाएंगी, दूसरी तरफ बहना शुरू हो जाएंगी, इट्स डेंजरस, नीचे भी बैठ जाती है एनर्जी। तो 7 मिनट से ज्यादा नहीं जाना, और 7 मिनट में तुम सांस रोकने में मास्टर हो, ठीक है? तो तुम उसमें इस तरफ भी रोको, उस तरफ भी रोको, और अंदर बाहर भी रोको, अंदर भी रोको, फिर रिजल्ट देखना, हैरान कन आएंगे खास तौर पे तुम्हारे। उसमें तुम प्रैक्टिस कर रही हो ना, मैं तुम्हारे वीडियो पर देख लूंगी कि तुम्हारा क्या सिलसिला चल रहा है, तुम्हें तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी भी चेक करूंगी बेटा, सवाल है। और बस खत्म हो रहा है, इसके बाद फिर हम करेंगे प्रतिहार, हाथों की एक्सरसाइज, ठीक है?
और जिसको कहते हैं हम लोग हाथ जोड़ भी कहते हैं। ठीक है, ये जब तक आप लोग सांस लें, ये जो है सैयद इस्लाम जो है ये प्रमोटर हैं, कराची में जो कोई भी शोज वगैरह करते हैं इनसे कनेक्ट हो सकता है, और इनका नंबर इसी से इनको मैसेज कर सकता है मेरे इस पे जाकर, जिसको भी शो करवाना हो देखना हो। ठीक है, म्यूजिकल प्रोग्राम्स मैंने बहुत किए इनके, ये थोड़े गंदा बच्चे हैं, इनके साथ मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, इसलिए मैं खुश हुई इनको देख के बहुत अरसे बाद। आई फील हैप्पी, यू नो। चलिए, अब हमने ले लिया सांस, अब हम करेंगे प्रतिहार जो कि हाथ जोड़ है, और हम 400 टाइम करेंगे इसको, 100 100 टाइम, और हर मर्तबा हमारी एनर्जी बहुत क्रिएट होगी, और जब एनर्जी क्रिएट होगी तो हम लोग या तो अपने ऊपर अपने चक्रों पे लगाएंगे, या फिर हम बाहर किसी को किसी बीमार को, या सिटी में जैसे गार्बेज के लिए हम लोग भेज देते हैं कि चलो कोई आए, कोई आसमानी मदद आए और वो क्लियर कर दे, तो हम दुआ के तौर पे शहर को भी भेज सकते हैं और बीमार को भी भेज सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं या फिर अपने ऊपर लगा सकते हैं। तो इसका सही भाई जो इसका जो सांस का तरीका है, जाइएगा मत, ठीक है, इसका आज पूरी देख जाइएगा, फिर आपका दिल चाहे तो फिर आइएगा। ठीक है, इसको करते हैं। यानी ऊपर जब हाथ उठाएं तो बस इतना ही जाए, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये हाथ जो है यूं सिर्फ हाथ ही लेंगे, बॉडी नहीं हिलेगी, चूंकि हम जोर से करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी हिल रही है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप सिर्फ हाथ हिलें 100 टाइम। दोबारा कर ला,
फिर कर लें तीसरा। हाय जैन, इतनी देर से क्यों आए हो? क्या नेट प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत सारे लोग जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मुझे फिर ये लगता है बिजली नहीं है, नेट नहीं है। तो भूपेश कितनी की है मैंने, बताओ मुझे जल्दी से। उज्मा बताओ जल्दी से, मैंने कितनी की है? तीन की है, चार की है? लेट मी चेक, आप लोग का टेंशन पे हो कि नहीं? लाइट चली गई थी। जैन, मैंने लिंक भेजा हुआ है, वुड यू लाइक टू कम? लेट मी चेक योर एनर्जी। मैं हर बंदे की एनर्जी चेक करूंगी यहाँ पे और छोटा छोटा फील करूंगी कि क्या कहाँ तक लेके जा सकती हूँ। जहेब जो है अभी तक नहीं आए हैं, और क्या नाम है, नगमा नहीं है, और रजा साहब नहीं है। ठीक है, आज मुझे बड़ी खामोशी से दिखाई दे रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों। तीन चार सांसें ले लेंगे, ठीक है। Did you hear then what I said? Would you like to join me on link so I can talk to you?
चलो मैं कपाल भाती कराऊंगी, ऐसे कि जल्दी क्लास खत्म होती है तो फिर ठीक है, दैट्स फाइन। क्या जी सब ओके ओके अच्छा, कपालभाति जो होती है वो थैंक गॉड जो है, फॉर गॉड से व्हाट हैपेंड टू यू, यू कैन नॉट डू दैट टू मी बॉय। ओके, और नगमा भी गायब है, नगमा का तराना मैं बना दूं। Anyways, I was telling that Kapal Bhati, how to do it, just think it's a candle in your hand or a blow kar. ठीक है, जब आप ब्लो करते हो तो कैंडल बुझती है, हम लोग ऐसे मारते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, सॉरी फॉर लेट आई वाज आउटसाइड। ओके तो ठीक है, कपाल भाती करते हैं, सही है। एंड यू नेवर से हेलो टू मी ऑन स्काइप, व्हाट वाज दैट? हाँ ओके, पूरा सांस बाहर, अंदर छोटा सा, मैं हटा देती हूँ बैनर। मोही रंग दोला नंद की लाल लाल, पता है मैं उदास हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। इनके नगमा नहीं है आज, तराना निकाल देना नगमा। एनीवेज निपटते हैं, सबर करो, मैंने बहुत सारी बातें करनी थी। आई सेंट यू, अच्छा आई डिडंट सी दैट, नो आई डिडंट रिसीव एनीथिंग, नो maybe you sent somewhere wrong place, only my name okay, मैं यहाँ बोल नहीं सकती, पता लगे भर जाएगा सारा स्काइप मेरा, only my name, नहीं नहीं मैंने उस पर लिखा हुआ है ग्रुप में अपना, ठीक है। अच्छा कपाल भाती, रियली व्हेन हाउ? अच्छा, उमर फारूक है, हैं उमर फारूक,
साथ साथ आप लोग अपनी कपाल भाती करते रहिए। ये हमारे साथ कोई नए फ्रेंड है हमारे, यस आर्तिक, गिव मी योर स्काइप आईडी। ओके ओके, आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या? आप लोगों ने पहले से कोई वीडियोस देखी हुई है हम लोगों की? इट्स अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दुनियावी और रूहानियत दोनों का नॉलेज मिलेगा और बड़ा मजा आएगा जिंदा रहने का, जिंदगी का मजा आएगा। अगर ये क्लास आप प्रॉपर से ज्वाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, मैंने 10-12 साल हो गए मुझे इसमें, और मैं अभी अभी बाहर आई हूँ उस दुनिया से, इस दुनिया में, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने जितने भी मेरे अपने हैं, सब आप लोग जो मुझे हेलो करते हो सब मेरे अपने हैं, तो प्लीज आप लोग इसको ज्वाइन करें और फायदा उठाएं मेरे होने का। कल मैं रहूं ना रहूं क्या पता, तो टेक द एडवांटेज। ये कुछ कह रही है एक्सप्लेन को, क्या क्यों वीडियो में क्या समझ नहीं आया? एक्सप्लेन कौन सी वीडियो, मुझे तो यही नहीं पता। कुछ कह रहे हैं आप, आपस में पूछ लीजिए, मैं देख लेती हूँ कि यहाँ से क्या हो रहा है। आप लोगों की एक्सरसाइज चल रही है, कपाल भाति भी साथ साथ चल रही है, इसका मैंने आज जो मैंने वीडियो डाला है छोटा सा डायरेक्ट, उसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ अभी तक। अभी जब ये खत्म होगा तो मैं दूसरी जगह चली जाऊंगी, और फिर बाद में जब आऊंगी फारिग होके तो फिर मैं क्या नाम है आप लोगों को उसके ऊपर लिखूंगी। वो बुक्स मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए डाली है, वो बुक्स जरूर खरीदे, उसमें से सरपंट वाली तो जरूर खरीदे, मेरा और आपका और सरपंट की जो बुक है वो बड़ी कमाल की है। जब ऐसा हो, हम जब योग कर रहे होते तो हमारी ये पूरी पूरा वो हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपने साइडों पे मुक्के मारने और फिर यूं करके बैठ गया। मेरे जहन में इतना कुछ आता है कि मैं आपको ये भी बता दूं, आपको वो भी बता दूं, लेकिन इस चीज से पहले निकले तो सही, ये जो हमारी कपाल भाती और ये इसकी प्रैक्टिस अगर आप अकेले कर लेते हैं तो मैं दूसरे एक्सरसाइज पे चली जाऊंगी। अगर सब लोग मुझे वादा करते हैं कि अपनी अपनी एक्सरसाइजेस करके आएंगे तो फिर मैं दूसरी एक्सरसाइजेस बताना शुरू करूंगी। और पाल बाती अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये तो करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। जैसे आप खाना खाते हैं ना कि खाना नहीं खाया तो आप गिरने वाले हो जाते, तो ये तो करना ही करना है, हर हाल में करना। आतिफ कहाँ चला गया, क्या हो गया आतिफ को, व्हाट हैपेंड टू हिम? मुझे लगता है उसको जीने चिमड़ उसका जीन उतारना पड़ेगा मुझे। एक तो ये बड़ा मुश्किल है कि हमारे जहनों में ना चुड़ैल, भूत, जिंदगी, ये चीजें हमारे इतनी फीडिंग हुई भी है। आपको पता है जिन को कहते क्या है पुरानी जबान में? असुर कहते हैं, और वो आग में रहता है, वो आग से बना होता है, आग में ही रहता है। उसको जन्नत में जाना होता है लेकिन जन्नत में नहीं जा सकता क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर ऐसे ही हीट में होता है, मतलब वो बना ही आग से है। इसकी इतनी लंबी डिटेल है, इतना गहरा है ये असुर जो है। मैंने बड़े मुश्किल से समझा कि असुर हमारे उसमें नहीं मिल रहा, देखिए है क्या। तो जब मैंने इनका सारा डिटेल में अंदर की तरफ गई तो उनका घर ही आग में होता है, वो रहते ही आग में, बट उनको जन्नत चाहिए होती है, वो बॉदरिंग करने शुरू कर देते हैं, इंसानों को बॉदर करते हैं, इसके करते हैं उसके करते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही करते हैं, ऐसा नहीं है। उसका नॉलेज है मेरे पास और बड़ा कमाल का है। आप लोग हैरान हो जाएंगे अगर जिन भूत का मैंने नॉलेज देना शुरू कर दिया ना, आप लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं, नथिंग। मेरे सामने ऐसे करके, ऐसे करके जब खुला ना पहले दफा सारा सिस्टम, तो मुझे चलने को जगह नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चलूं कैसे, वॉक कैसे करूं, जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो इतने ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। वो हवा की तरह हम लोग क्रॉस, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कि रूह को आप क्रॉस करके चले गए और वो खड़ी हुई है रूह और बंदा निकल जाता, बिल्कुल वैसे। तो चूंकि हमें पता नहीं होता इसलिए, लेकिन मैंने बहुत कुछ महसूस करते हुए, लेकिन मैं डरी नहीं, घबरा। शुरू शुरू में लगता है थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं कर सकता। हम जो कर सकते हैं ना, इसीलिए तो हमें बॉडी दी गई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसा पकड़ सकते हैं चीजों को, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो रूह होती है, जिन होता है, ये लोगों को बहुत ज्यादा इबादत करनी पड़ती है। ये लोग भी योग करते हैं तब जाके उनको ये फोर्स और पावर मिलती है कि वो किसी इंसान को पकड़ सके, अदरवाइज नहीं। उनको भी योग करना पड़ता है। और योग क्या करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन नहीं करेंगे तो उनमें फोर्स एंड पावर नहीं आएंगी। तो आम जिन बिन जो होते हैं, भूत प्रीत जो होते हैं, खैर भूत इन लोगों को तो होता ही नहीं है। ये कौन है? कैन आई फाइंड दीज बुक्स इन कराची? यस यू कैन, ऑफ कोर्स। कराची में नहीं तो ऑनलाइन तो 100% है ना, ऑफ कोर्स। असद यूसुफ, वालेकुम अस्सलाम बेटा। आई सी योर ऑरा, गुड वन, वेरी नाइस। आपने पिक्चर बदली, विच इज ग्रेट। एंड मैं आपकी साइट पे आपको चेक किया था, तो विच इज ग्रेट, बट स्टिल आई नीड टू सी योर एनर्जी। और मैं जब आपकी एनर्जी चेक कर लूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है, तो आई हैव टू चेक, बट योर ऑरा इज गुड। एक होता है ना, हाँ आई नो आई नो आई नो। फिर मैं अरे बाप रे बाप, ये क्या? और तो कोई नहीं है? चलो, हमारी कपाल भाती ऑलमोस्ट डन होने वाली है। और ये बुक्स आप लोग जरूर लीजिए। सरपंट की बुक आपको नहीं मिलती कहीं से, वैसे मुश्किल है वो कराची से मिलना, बट ऑनलाइन 100% है। मैंने सारी उनकी तस्वीरें अच्छे से यूं कैमरे के सामने लगा दी थी, आप अपने उस पर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि फिर वीडियो तो नीचे चली जाती है, फिर आप लोगों को मिलेगी नहीं। तो उसका नाम लिखकर आप ऑनलाइन चेक करना। कहाँ से? ऑनलाइन ही मंगवाई है दानिल ने भी, और किसी वक्त मैं दानिल से मिलवाऊंगी। आप लोग हैरान रह जाओगे इसका जो जो कंडीशन है माइंड की और गुफ्तगू है उसका। और मैं मिलवाऊंगी आप लोगों से, और उसका गाना भी किसी वक्त सुनाऊंगी। और हथे नहीं चढ़ता मेरे, आता ही नहीं है, करके भाग जाता है। बट मैंने कहा है, कहते अच्छा ठीक है, मैं किसी वक्त आऊंगा और आप लोगों से बातें करवाऊंगी। ठीक है, अब हम करते हैं बंद। क्या टाइम हो रहा है? हमें करना है अनलूम वलूम। ठीक है, जो नया है वो गौर से सुने कि अनुलोम विलोम क्या है। अनुलोम विलोम हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर दो वायर्स हैं जहां से हम सांस लेते हैं, इसी को ही सरपंट कहते हैं। क्योंकि सांस जो यूं करके यूं जाती है ना, यूं, तो इसको कहते हैं सरपंट। सांप की तरह घूमती हुई यहां से यूं पहुंचती है और यूं करके यूं सांस से तो ऑपोजिट जाती है, तो सरपंट कहते हैं इसको। हमारी सांस को ही कहते हैं, तो इसलिए वो बुक पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और भी जो मैंने अमेजोन से मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, या बिल्कुल
बिल्कुल मिलेंगे। तो आप लोग ये सरपंड का ही सारा सिलसिला है जो मैं आप लोगों को अनुलोम विलोम सिखाती हूँ ना, वो वही तो है। जैसे मैंने उसमें भी दिखाया था, ये मेरी नेकलेस है गले का, जिसमें हर चक्रे का नग लगा हुआ असली वाला। कुछ मेरे गिर गए, टूट गया, नीचे गिर गया था ये, तो असली नग इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पर्पल है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, यहाँ पे येलो था, ये टर्कोइस है, और रेड ऑरेंज येलो, और यहाँ पे होना चाहिए ग्रीन। इन्होंने वो लगाया, टर्कोइस लगाया हुआ ना, ताकि उसकी एनर्जी मिले। और यहाँ पे आता है ब्लू। मैंने बहुत सारी चीजें आज निकाल के रखी हुई थी जो मैं दिखाऊंगी। जैसे मैं इससे जो है, ये आपको मिलते हैं तो लोगों को वो करने के लिए, इलाज करने के लिए आप करें, ठीक है। वाटर बहुत है, बहुत। इसका अलग से क्लास है, अलग से क्लास। इतना इतना है क्लास का कि सामान के मुझे नहीं समझ आती, मैं यहीं लगी रहूं लगता है कि सारा वक्त। तो अनुलोम विलोम वो करें इसका बड़ा गहरा। और कोई भी प्लीज जो भी इस बात को जहन में रखे कि 7 मिनट, जिसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो, बहुत लंबा 3 महीने उसने, 2.5 महीने 3 महीने उसमें गुजारे हुए हो एक्सरसाइज में, तो वो 7 मिनट करे। अदरवाइज बाकी लोग, सब लोग जो नए हैं, वो 3 मिनट से आगे ना जाएं। खुदा के लिए आगे ना जाइएगा, वरना आप लोग लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत खतरनाक होता है। जितना मैं बोलती हूँ उतना ही करिएगा। अगर जिस किसी ने लालच में किया कि मैं कर लूं, और ये कर सकते हैं हम लोग, 100 भी सांसें ले सकते हैं, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर पूरी की पूरी, जैसे हम एक टब में पानी डालेंगे तो वो आहिस्ता 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 भरेगा ना, अगर हम यूं करके डालेंगे तो बाहर की तरफ पानी गिर जाएगा, तो ना आपके हत्थे चढ़ेगा कुछ, आप अपनी बॉडी से भी जाएंगे, अपने माइंड से भी जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस। तो जितना मैं कहूँ उतना ही कीजिएगा। ये सामान आपको मिलेगा नगमा, अमेजोन से मिल जाएगा, ऑनलाइन चेक कर। अब बस आप वो डालो ना बुक का नाम, वो उसकी वेबसाइट आ जाएगी कि ये कहाँ से मिलेगा। और ये बहुत जरूरी है नगमा, मैं आज बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी, बट यू कम लेट, और मैं आप कल करूंगी कि अभी क्योंकि मुझे जाना है दूसरी जगह, तो मैं नहीं चाहती कि वहां पर मैं लेट पहुंचू, क्योंकि वो जरूरी है। और मुझे ऐसे ब्रेन चाहिए जो हमारे शहर मुल्क सबके लिए काम आ सके। मुझे ऐसे ब्रेन नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने लिए काम करें, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। हाँ, उनको भी मिले, ऑफ कोर्स मिले, और मिलना चाहिए, हकदार हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी करें, दबा के करें, ठीक है। और फिर बड़े लेवल पे काम करना चाहिए ना, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। तो जो वो जो हमारे कजन है, कजन समझते हो ना आप लोग जिनको, किनको कहती हूँ मैं, दुनिया पे काबू करके बैठे हुए, हमारा दिमाग क्यों नहीं चलता? तो चलो उस तरफ, इलम हासिल करो, प्रैक्टिस करो। मुझे पता है वो रास्ता, पता है मैंने उनको स्टडी किया है सारी किताबें। मैंने शुरू में बताया था, मैंने उस वीडियो में भी बताया कि मैंने पहले शुरू करने से पहले, सब जानने से पहले, कुरान शरीफ को उर्दू में पढ़ा, बाइबल को उर्दू में पढ़ा, सारी किताबें जो मैंने, वो इवन गीता भी है, वो भी मैं कराची से लेकर आई थी, वो भी उर्दू में। सब पढ़ो, देखो कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करेगा? नहीं तो बहुत मुश्किल है। हमारी कंट्री में बना बनाया मिल जाता है, हम लोगों को फोहड़ नकारा स्टूपिड किस्म के लोग बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया, दौलत वहां पे आ जाती है, गाड़ियां आ जाती हैं, चरखे खा रहे होते हैं, मजे आ रहे हैं, यार पार्टी कर लो, यार ये कर लो, यार कोई दिमाग ऐसा नहीं है जो साइंटिस्ट हो और कुछ बनाने के लिए तुल जाए कि नहीं, इस मुल्क को सामने आना चाहिए, इस
दिखना चाहिए कि यहाँ ब्रिलियंट ब्रेन है, क्यों नहीं, बड़े लेवल पे क्यों नहीं सोचते आप लोग? बस मेरा यही मकसद है और मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे दिमाग मिल गए तो मैं वादा करती हूँ मैं जब तक के उनको वहां तक ना पहुंचा तो मैं उनको छोड़ूंगी। मुझे चाहे अपना खाना पीना अपनी सेहत छोड़नी पड़ जाए, मगर मैं उनको, मैं इतना बड़ा बोल बोल रही हूँ लेकिन वो ऊपर मेरे वचन पूरे करने वाला है। अगर बुलवा रहा है तो को बचा होगी, अगर मुझे ये ब्रेन मिल गए तो मैं इंशाल्लाह उसकी ताकत और कुव्वत और उसके इरादों की वजह से मैं उनको तैयार कर सकूंगी। एंड आई प्रोमिस यू, गॉड प्रोमिस, आई नीड दैट ब्रेन। यंग लोग हों और वो आए मेरे पास, मैं उनको बहुत गहरा और बहुत बड़ा इल्म दे दूंगी, कुछ ऐसे फॉर्मूले दे दूंगी कि शॉर्टकट में वहां पर पहुंच जाए। ठीक है, अनुलोम विलोम क्या है, आप लोग करिए अपने लिए तो जीते हैं सब जहान में। आई लव यू डियर। सबको जीना चाहिए अपने लिए, कोई बुरी बात नहीं है, हमें जीना चाहिए अपने लिए भी, अपने लिए पहले जीना चाहिए, फिर उसके साथ साथ हमारा जब पेट भर जाए ना कि हाँ अब बड़ा अच्छा हो गया, जबरदस्त हो गया, अब आगे क्या, क्योंकि आपकी अगर पेट भरा नहीं होगा तो आप इबादत नहीं ना कर सकते, लोगों को नहीं देख सकते, इसलिए आपको फुलफिल होना ही है यहाँ से। यहाँ से जब यहाँ से फुलफिल होंगे तो फिर आप दूसरों के लिए सोच सकेंगे, कर सकेंगे। ठीक है, इनको बुरी बात नहीं है कि हम अपने लिए सोचें, हमें ये कतन नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने लिए सोच रहे हैं और दूसरों के लिए नहीं सोच रहे हैं। नहीं, हमें अपने लिए, हमें भी अपने आप को बेबी ही रखना है। अगर हम अपने आप को बेबी नहीं रखेंगे तो हम दूसरों को बेबी कैसे रख सकते हैं? तो इसलिए जो फीलिंग, बस ये आपको समझना, जो आपके अपने लिए फीलिंग्स है वो दूसरों के लिए भी होनी चाहिए, बराबर बराबर, इवन। इसको कहते हैं सेंट्रल एनर्जी। एक दिन मैं आप लोगों को, प्लीज आप लोग भी याद रखा करो ना कि मैं आपको तीन एनर्जीज के बारे में बताऊंगी, एक दो तीन, तीन एनर्जीज हैं हमारे अंदर हर वक्त काम कर रही होती हैं। इनके बारे में नगमा एंड सुहेब, आपकी ड्यूटी है दोनों की, ये मुझे याद कराना है, नहीं याद कराया ना बच्चों, फिर देखना क्या करूंगी मैं। क्या मैम, आई एम हेयर टू सर्व पाकिस्तान। ओके, दैट्स सो ग्रेट ग्रेट। ठीक है बेटा, तैयार हो जाओ फिर। मुझे एक बात मैं और बता दूं, मेरे साथ कोई झूठ बोलेगा, कोई नकली काम करेगा, मुझे राइटों पे पता लग जाएगा, इसलिए जो भी आए बहुत प्योरिटी से आए। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, ना ही बाबा हूँ, ठीक है, बट कोई क्वालिटी है मुझ में, मैं लोगों की ऊर्जा, मुझे कुदरत साथ देती है कि मैं उनको पहचानने की ताकत उसने मुझे दी हुई है, और जरा सा मेरे साथ कोई करेगा तो मुझे वो भी पता लग जाएगा। मैं किसी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूंगी, ना किसी को कुछ कहूंगी, बट मैं एक काम करूंगी, कोशिश करूंगी और समझाने की, बताने की, नहीं ये रास्ता ठीक नहीं, ये कर लो, ये रास्ता ठीक नहीं, कर लो। अगर फिर भी वो बाज नहीं आता तो बाय बाय टाइट है, कोई बात नहीं, फाइन, नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो फ्रस्ट्रेशन, हाय मैंने ये किया तो उसने ये कहा, हाय मैंने ये, मैंने नहीं करना। तो जो सीखेगा वो सीखेगा, मैं आगे तक लेके जाऊंगी, बड़ा कर ले, ठीक है। और वह नगमा को भी मैंने लेके जाना है। नगमा क्या पूरा रीड करें लाइन को, कौन सी लाइन को, बड़ा क्या है, ओके okay, कर लिया मैंने, और ने भी पर चलो थोड़ा सा अनुलोम विलोम आप लोगों का रह गया, कर लो।
वाली मेरी। ये वाला अच्छा। मैं अब वो मेरे उस पे ही है, मेरा वीडियो अभी तो मैंने किया है, मेरा वॉल पे ही है, वहां से आप ले लो और उसमें सारी मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। तो बस अच्छा अनुलोम विलोम करते हुए खास तौर पे आपने आंखें जो है ना हर मर्तबा हर सांस में कोशिश करनी है कि आप लोगों की आंखें यहाँ पे रहें। और आगे जो है फिर ये वाला भी है, ये थोड़ा सा मैं करके किसी वक्त दिखाऊंगी। आप लोगों की ड्यूटी है मुझे याद करवाना, मैं को वहां ये वो करने नहीं आती, लेकिन मैं ये कोशिश ही करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और गहरे से गहरा मैं आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों की मदद कर सकूं, आप लोग समझ सको, आप इसको एक्सपीरियंस कर सको। मैंने बहुत सारे मतलब मैंने जो 10-11 सालों में या 12 सालों में जो लर्न किया है, मैं आपको 1 महीने में 2 महीने में तो नहीं सिखा सकती ना, लेकिन मुझे जो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि जो मुझे समझने में इतने साल लग जाते थे या मुझे ढूंढने में गुरु ढूंढने में इतना टाइम लग जाता था, और आप लोग एक किस्म का वो जैसे कोई गन्ने बना के चला गया है, खेती लगाई, पानी डाला, हल चलाया, उसके बाद वो निकल लिया और गन्ने उग गए। अब आपको थोड़ा सा तोड़ना है, उसका जूस निकालना है या चीनी बनानी, आप लोगों को सिर्फ इतना गन्ने मौजूद है। तो बस मैं यही बता रही हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं। अब मैं निकलती हूँ क्योंकि 53 हो रहे हैं, मुझे दूसरी जगह भी ज्वाइन करना है, और मैं कमिटमेंट जो कर लेती हूँ तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। बाबू क्या समझते हैं? और कोई किसी ने पर्सनल कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे क्वेश्चन कर सकता है। और मुझे मैंने ये भी कहना था कि मैंने जो ग्रुप को एक जगह इकट्ठा किया है, प्लीज आप लोग अपना जाति पर्सनल कोई वीडियो उसमें ना डालें, और अगर जैसे किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे मजबूरन उसको ग्रुप से आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उसमें आप सिर्फ इतना लिख सकते हो। अगर आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो सिर्फ इतना कर सकते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे सॉल्व कैसे करूं, तो मैं उसमें ही आंसर दूंगी, ताकि अगर किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो भी सुन लेगा। तो ये आप जरूर शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप ना कोई वीडियो, ना जुम्मा मुबारक, ना फूल, ना फूंगड़िया, कुछ भी नहीं वहां सेंड कर सकते। कई लोगों ने ज्वाइन किया मगर उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो जो नए लोग हैं और वो कर रहे हैं उनको मैं बाकायदा मना कर रही हूँ कि वो ना करें, उससे डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। वो एक खास वजह के लिए बनाया गया, वो लिंक भेजने के लिए, किसी को मुझसे बात करनी, कोई प्रॉब्लम हो रही है कोई, जो डायरेक्ट अपने मतलब मेरे स्टूडेंट्स के लिए है वो, ठीक है, नॉट फॉर इंफॉर्मेशन अदर पीपल इंफॉर्मेशन हो हुएवर एंड व्हाटएवर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग अनुलोम विलोम करते करते कोशिश करें, अगर जैसे अनुलोम विलोम खत्म हो गया तो भस्रिका कर लें, दोबारा भस्रिका इतनी जोर से करें, कोई 20-25 सांसें लेके, तो उसके बाद सिर्फ सांस पे कंसंट्रेट करें और मेडिटेशन में चले जाएं, जबरदस्त हो जाएगा काम। चलती हूँ, मिलती हूँ ब्रेक के बाद, फिर कल होगी मुलाकात, और अगर कुछ जहन में आई ऐसी बात तो फिर मुलाकात कर लूंगी, आज ही आज में, अदरवाइज फिर मिलती हूँ फिर।
टाइम पे प्लीज आ जाए करो, कितना तंग करते हो आप लोग मुझे भाई।